हुंडई ने 2020 क्रेटा को 16 मार्च को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया था और अब 2020 क्रेटा की फुल प्राइसिंग लिस्ट भी हमें पता चल गई है। तो आज इस वीडियो में मैं 2020 क्रेटा और एमजी हेक्टर के प्राइसेस को कंपेयर करूंगा और बाकी फीचर्स और वेरिएंट्स का कंपैरिजन मैं किसी और वीडियो में करने वाला हूँ। तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत जल्द मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ और वीडियोस लाने वाला हूँ आप सभी के लिए इसी चैनल पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। सबसे पहले 2020 क्रेटा और हेक्टर के पेट्रोल वेरिएंट्स के प्राइसेस को कंपेयर कर लेते हैं। तो 2020 क्रेटा में आपको दो पेट्रोल इंजन के ऑप्शंस मिलते हैं जो कि हैं 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि 115 पीएस की पीक पावर और 144 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और दूसरा इंजन है 1.4 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 140 पीएस की पीक पावर और 242 एनएम का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इन इंजन्स में तीन डिफरेंट गियरबॉक्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और दूसरी तरफ हेक्टर में हमें एक ही पेट्रोल इंजन का ऑप्शन अवेलेबल है जो कि 143 पीएस की पीक पावर और 250 एनएम का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसमें हमें माइल्ड हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी भी मिलती है कुछ वेरिएंट्स में, और हेक्टर में दो गियरबॉक्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 2020 क्रेटा में आपको टोटल 7 इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन के पेट्रोल वेरिएंट्स मिलते हैं, और दूसरी तरफ हेक्टर में भी हमें 7 इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। तो चलिए अब इन वेरिएंट्स के प्राइसेस को कंपेयर कर लेते हैं। दोनों गाड़ियों के प्राइसेस आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो क्रेटा का 1.5 लीटर बेस ईएक्स वेरिएंट प्राइस्ड है 9.99 लाख पर और हेक्टर का बेस स्टाइल मैनुअल वेरिएंट 12.73 लाख पर प्राइस्ड है। पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों के प्राइस लिस्ट कंपेयर करके बता देता हूँ, फिर एंड में आपको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बताऊंगा कि इन दोनों गाड़ियों में से किसका और कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। फिर आते हैं इन दोनों गाड़ियों के मिड वेरिएंट्स पर। क्रेटा का मिड वेरिएंट एस जिसमें आपको सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स ही मिलता है जो कि प्राइस है 11.72 लाख पर, और हेक्टर का मिड वेरिएंट सुपर मैनुअल गियरबॉक्स में आपको 13.53 लाख का मिलता है। हेक्टर का इस मिड वेरिएंट आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में भी मिलता है जो कि प्राइस है 14.13 लाख पर। हेक्टर में सुपर वेरिएंट के ऊपर कोई भी वेरिएंट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बिना नहीं मिलता। क्रेटा का सेकेंड टॉप वेरिएंट है SX जो कि 13.46 लाख पर प्राइस्ड है, और हेक्टर का सेकेंड टॉप वेरिएंट स्मार्ट 15.23 लाख का प्राइस है, और हेक्टर का टॉप एंड शार्प मैनुअल गियरबॉक्स वेरिएंट 16.53 लाख पर प्राइस किया गया है। ये तो हो गई इन दोनों गाड़ियों के पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स के प्राइसेस की बात। अब इन दोनों गाड़ियों के पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के प्राइसेस को भी कंपेयर कर लेते हैं। क्रेटा में आपको दो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है 1.5 लीटर पेट्रोल सीवीटी ऑटोमेटिक और दूसरा है 1.4 लीटर डीसीटी ऑटोमेटिक। 1.5 सीवीटी ऑटोमेटिक आपको दो वेरिएंट्स में मिलता है, SX और SX ऑप्शनल। SX ऑटोमेटिक प्राइस है 14.94 लाख पर और SX ऑप्शनल प्राइस है 16.2 लाख पर। 1.4 डीसीटी SX वेरिएंट का प्राइस है 16.16 लाख और डीसीटी SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक वेरिएंट का प्राइस है 17.2 लाख। दूसरी तरफ हेक्टर में आपको दो वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन अवेलेबल है जो कि हैं स्मार्ट और शार्प वेरिएंट्स। स्मार्ट डीसीटी वेरिएंट 15.93 लाख पर प्राइस्ड है और शार्प डीसीटी वेरिएंट 17.43 लाख पर। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो सिर्फ प्राइसेस को कंपेयर करते हुए तो क्रेटा का 1.4 डीसीटी SX ऑप्शनल वैल्यू फॉर वेरिएंट साबित होता है क्योंकि इसमें आपको हेक्टर के टॉप ऑटोमेटिक वेरिएंट से ज्यादा फीचर्स और ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन अगर आपको ज्यादा कंफर्ट वाली गाड़ी चाहिए तो फिर आपको हेक्टर के किसी भी वेरिएंट को चूज कर लेना चाहिए क्योंकि हेक्टर की राइड क्वालिटी और कंफर्ट सेगमेंट बेस्ट है। बाकी अगर आपको सेल्फ ड्राइव करने के लिए गाड़ी लेनी है तो आपको क्रेटा को चूज करना चाहिए। अब इन दोनों गाड़ियों के डीजल वेरिएंट्स के प्राइसेस को भी कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी गाड़ी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी आपके लिए। 2020 क्रेटा में आपको BS6 कंप्लायंट 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलता है जो कि 115 पीएस की पीक पावर और 250 एनएम का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है।
इस इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और दूसरी तरफ हेक्टर में आपको BS4 कंप्लायंट 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो कि मैसिव 170 PS की पीक पावर और 350 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स ही अवेलेबल है। क्रेटा के डीजल मैनुअल वेरिएंट्स प्राइस हैं 9.99 लाख से 15.79 लाख के बीच। और मैं आपको एक बात बता दूं कि 2020 क्रेटा का बेस डीजल वेरिएंट EX नहीं बल्कि E वेरिएंट है, तो इस वेरिएंट में आपको पेट्रोल के बेस EX वेरिएंट से कम फीचर्स मिलेंगे। और 2020 क्रेटा के डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स प्राइस हैं 15.99 लाख से 17.20 लाख तक। दूसरी तरफ हेक्टर में आपको सिर्फ डीजल मैनुअल गियरबॉक्स का ही कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि प्राइस्ड है 13.48 लाख से 17.28 लाख के बीच। तो अगर आपको डीजल में इन दोनों गाड़ियों में से कोई गाड़ी को चूज करना हो, तो फिर आपको 2020 क्रेटा को ही चूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कैबिन स्पेस और ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए डीजल में, तो फिर आपको हेक्टर को चूज करना चाहिए। और यही सही टाइम है हेक्टर के डीजल वेरियंट्स को चूज करने का, क्योंकि जब इसके BS6 डीजल इंजन के वेरिएंट्स को MG लॉन्च करेगी तो इसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये था मेरी तरफ से 2020 Hyundai क्रेटा और MG हेक्टर के बीच एक प्राइस कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।